महाकाल हर एक काल को हर लेते हैं। जो महाकाल के डर जाता है उनके काम में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। महाकाल लोक का लोकार्पण के बाद से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हर एक बाधा दूर हो जाती है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हजारों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं अब दान करने वाले भी बढ़ रहे हैं। पिछले दो महीने में महाकाल मंदिर की आय दोगुना बढ़ गई। अप्रैल और मई में मंदिर में कुल 27.77 करोड़ की आय हुई है। इधर मंदिर की आय बढ़ी तो खर्च भी दोगुना हो गया। जहां हर महीने 2.5 करोड़ का खर्च हो रहा था, ये खर्च बढ़कर 5 करोड़ तक पहुंच गया है। गर्भगृह में प्रवेश, शीघ्र दर्शन, टिकट और भस्म आरती अनुमति शुल्क को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। जहां भक्त पहले रसीद कटवाने के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते थे, अब वो अपने शहरों से ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सीधे दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में भक्तों को सुविधा मिलने से मंदिर को एडवांस में राशि मिलने लगी है। जब मंदिर पहुंचा तो भगवान ही गायब थे। हनुमान जी की मूर्ति आखिर कहां गई? सवाल बन गया। मामला राजपुर का है, जहां कुशालपुर मलसाई तालाब के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। लोग भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आज सुबह जब लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे तो मंदिर से मूर्ति गायब थी। जब भगवान हनुमान की खोज शुरू हुई तो वो तालाब में डुबकी लगाते दिखे। सवाल ये उठा कि हनुमान जी की तालाब में मूर्ति कैसे पहुंची? पुलिस आई, जांच हुई, पता चला कि एक विक्षिप्त युवक ने हनुमान जी की मूर्ति को तालाब में फेंक दिया था। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि ये कोई साजिश तो नहीं है। अब रायपुर के उस सड़क पर लेकर चलते हैं, जिसे देखकर आप कहेंगे कि ये गड्ढे में सड़क है या सड़क पर गड्ढा, और अगर गड्ढा है तो क्यों है, ये किसकी लापरवाही का नतीजा है। दरअसल रायपुर में स्मार्ट सिटी और निगम की अमृत मिशन योजना के लिए राजधानी की सड़कों को खोद दिया गया है। पाइपलाइन बिछाने के लिए शहर में किए गए गड्ढों से सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है, जिसके चलते राहगीरों को काफी परेशानियां हो रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि बारिश में ये सड़कें चलने के लायक भी नहीं रहेंगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि जब सड़क पर इस तरह के गड्ढे खोदे गए हैं, बारिश का वक्त नजदीक है, तो फिर कोई सुध क्यों नहीं ले रहा। इन दिनों आग लगने की घटना हर रोज सामने आ रही है। एक बार फिर आग की घटना सामने आई। तस्वीरें ग्वालियर की हैं, जहां एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। एक तो घर में ऊपर से कबाड़ की दुकान, जहां हजारों ऐसे सामान होते हैं जो आग को भड़काते हैं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आग धधक रही है। घटना चंद्रबदनी नाका झांसी रोड थाना क्षेत्र की है। आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि कबाड़ की दुकान जलकर खाक हो गई। देखिए आग पर काबू पाने के बाद की तस्वीरें। अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुकान में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ राख ही राख नजर आ रही है। पुलिस हमारे रक्षा के लिए रहती है, हमारी सुरक्षा के लिए रहती है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था को पालन करवाने का होता है, लेकिन सोचिए खाकी वर्दी वाले जब अपने ही काम सही से ना करें और खुद कानून को ताक पर रखकर मनमानी करें, कानून की धज्जियां उड़ाएं, तो फिर अपराधियों का क्या होगा? कार्रवाई करवा दूंगा ना। का चीज में? तुम सीट पर नहीं पहने हो। अरे सर, आप भी तो हेलमेट नहीं लगाए। हाँ, आप भी तो हेलमेट नहीं लगाए। तस्वीरें देखिए, खाकी वर्दी वाले ही साहब के नशे में धुत वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें शराबी पुलिस वाला ट्रक ड्राइवर से उगाही कर रहा है। नशे में धुत ये ट्रक ड्राइवर से पैसे की मांग कर रहा है। जवान सिटी कोतवाली में पोस्टेड है ये इस जवान के नशे की हालत में दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आ चुका है। अब देखना ये होगा कि पुलिस विभाग इस शराब पुलिस कर्मी पर क्या कार्रवाई करता है। इसके बाद जाएंगे बुढ़ा। वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था, लेकिन वो प्रेमिका से मिला या नहीं, ये सवाल बन गया है, क्योंकि अब उस युवक
की लाश मिली है। मामला भोपाल का है, जहां जहांगीराबाद इलाके में एक आमिर खान नाम के एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। मृतक के गले में चाकू के निशान हैं। बताया जा रहा है कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, जिसके बाद वो लौटकर नहीं आया। आया तो उसका शव। मृतक के परिजनों का आरोप है कि लड़की के परिजनों ने युवक को मौत के घाट उतारा। प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के भाई और जीजा ने घर बुलाकर हमला किया। परिजनों ने शव को लीली टॉकस चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया। वहीं लड़की वालों का कहना है कि युवक ने खुद से छुरी और ब्लेड से खुद पर वार किया। पुलिस की समझाइश के बाद शव को दफनाने के लिए राजी परिजन हुए। दमोह के बांदकपुर जैन मंदिर के एक वीडियो का चर्चा में आना स्वाभाविक है, क्योंकि वीडियो में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट होते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल जैन मंदिर में किसी मामले को लेकर बांदकपुर सरपंच सुनील डाबल्या जैन और समाज के दूसरे गुट के बीच किसी मामले को लेकर विवाद छिड़ गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मंदिर के अंदर ही माहौल गर्मा गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया। दो दिन से वो व्यापारी लापता था और जब मिला तो उसकी लाश मिली। मामला रतलाम का है, जहां दो दिन से लापता चल रहे बिजनेसमैन सचिन सोलंकी का शव आखिरकार पुलिस ने बरामद कर ही लिया। व्यापारी का शव सैलाना के अडवानिया गांव के कुएं में मिला। पुलिस शव मिलने के बाद से हर एंगल की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस को शक है कि व्यापारी ने खुदकुशी कुएं में कूद कर की है, लेकिन सवाल ये कि व्यापारी खुदकुशी के लिए अपने घर से इतना दूर आखिर क्यों गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। लिहाजा मामला थोड़ा संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अब देखना यह है कि क्या वाकई में व्यापारी ने खुदकुशी की या फिर यह हत्या है, जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। भिंड में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का मामला सामने आया। मामला थाना इलाके के डांग छेकुरी गांव का है, जहां बुजुर्ग दंपत्ति खाना खाकर घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। इस दौरान अज्ञात शख्स ने धारदार हथियार से उन पर वार कर दिया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना तड़के पुलिस को मिली और पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस को पारिवारिक विवाद में हत्या किए जाने का शक है। पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है। मामले में पुलिस को कुछ सुराग भी हाथ लगे हैं। पुलिस बुजुर्ग दंपत्ति के बड़े बेटे की तलाश में है, जो वारदात के समय घर पर मौजूद नहीं था। माँ बाप बड़े जतन से अपने बच्चों को पालते हैं ताकि बुढ़ापे का सहारा बन सके, लेकिन इस कलयुग में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप की फिक्र तो छोड़िए, उनकी जान के ही दुश्मन बन जाते हैं। मामला बालाघाट का है, जहां दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक बेटे ने अपने वृद्ध माता पिता की हत्या कर दी। मामला हट्टा थाना क्षेत्र के सिंगूड़ी गुनई गांव का है, जहां एक विवाद के बाद आरोपी ने फावड़े से मारकर पहले वृद्ध पिता की हत्या की और उसके बाद माता पर हमला बोला। मां की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई। गांव वालों की माने तो आरोपी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता था और वो सब्जी बेचने का काम करता है। पुलिस ने डबल मर्डर को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां रेशम मिल इलाके में दो सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। दोनों की मौत चैंबर की सफाई करने के दौरान हुई। दरअसल चैंबर में सफाई के दौरान गैस का रिसाव हो गया, जिससे दोनों सफाई कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई। दोनों सफाई कर्मचारी नगर निगम के ठेकेदार बताए जा रहे हैं। दोनों की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम करवाया तो वहीं नगर निगम कमिश्नर ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौके पर अस्पताल पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की।
दोनों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए सहायता दिलाने का भरोसा दिया है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के कोचिंग सेंटर में आग लग गई। आग कोचिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर लगी। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद कोचिंग सेंटर में मौजूद छात्र रस्सी कूदकर जान बचाते हुए दिखे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे छात्र आग से बचने के लिए कोचिंग सेंटर से रस्सी के सहारे बाहर निकल रहे हैं, कैसे एक के बाद एक छात्र रस्सी से नीचे उतर रहे हैं। कोचिंग सेंटर के 4 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। आग मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास गयाना भवन में लगी। मौके पर दमकल की कुल 11 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया ये जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में धुआं फैलने की वजह से छात्रों में अफरा तफरी मच गई। सभी छात्रों को बचा लिया गया है। अंबिकापुर के रघुनाथपुर पुलिस चौकी में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छेड़छाड़ के मामले में दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस ने थाने में पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। थाना परिसर में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया और इस दौरान पुलिस सिर्फ देखती रही। पुलिस कर्मी जब बीच बचाव करने पहुंचे तो पुलिस कर्मियों पर भी हमला बोल दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। वहीं साथ में पुलिस ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो पुलिस वालों को भी धक्का दे दिया और हाथापाई करने लगे। वहीं थाना परिसर में मारपीट करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। देश भर में नाम बदलकर मुस्लिम समुदाय के युवक लव जिहाद कर रहे हैं, लेकिन अंबिकापुर में लव जिहाद और मानव तस्करी का एक साथ खुलासा हुआ। दरअसल अंबिकापुर में कोंडा गांव की एक युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर गुजरात ले जाने की कोशिश नूर आलम खान नाम के एक युवक ने राहुल सिंह बनकर की। मानव तस्कर के आरोपी की मदद कोंडा गांव की ही एक युवती कर रही थी। मंगलवार को अंबिकापुर कोर्ट परिसर में मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के दौरान युवक के नाम बदलकर दस्तखत करने पर युवती ने एतराज जताया और लोगों को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी नूर आलम खान और एक युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं पुलिस शुरुआती जांच में इसे मानव तस्करी का मामला बता रही है। खुद पीड़ित लड़की भी बता रही है कि आरोपी युवक ने उसे झांसा दिया था कि फर्जी शादी का सर्टिफिकेट बनाएंगे ताकि गुजरात में काम करने के दौरान कोई परेशानी नहीं हो। बात करें एक अच्छी खबर की जिसका इंतजार हर किसी को है। बात गर्मी से राहत की, बात बारिश की। दरअसल मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले 25 जून को मानसून मध्य प्रदेश में दस्तक दे सकता है। बीते दिनों भोपाल, बड़वानी, धार, बालाघाट और अनूपपुर समेत कई जिलों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने ये भी साफ कर दिया कि गुजरात में आए तूफान का असर मध्य प्रदेश में नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कुछ जिलों में तूफान के चलते बारिश और बिजली चमक सकती है। वहीं आने वाले 10 दिनों में प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी ही, साथ ही पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। चक्रवाती तूफान बिपॉर जॉय लगभग 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आज शाम को सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्र से टकराएगा।
महाराष्ट्र और गुजरात में समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। एहतियात के तौर पर 75,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। 76 से ज्यादा ट्रेन रद्द की गई हैं। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा NDRF और SDRF की कई टीम तैनात की गई है। राज्य और केंद्र सरकार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 74,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। 8 तटीय जिलों में कुल 74,345 लोगों को अस्थायी आश्रयों में ले जाया गया। अकेले कच्छ में लगभग 34,300 लोगों को निकाला गया। इसके बाद जामनगर में 10,000, मोरबी में 9,243, राजकोट में 6,089, देवभूमि द्वारिका में 5,035, जूनागढ़ में 4,604, पोरबंदर में 3,469 और गिर सोमनाथ जिले में 1,605 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बिपौर जॉय की वजह से द्वारिकाधीश मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तूफान का असर महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों पर पड़ेगा। बस्तर में इंद्रावती टाइगर नेशनल पार्क पूरी तरह से नक्सलियों के कब्जे में है। नेशनल पार्क के अंदर जाने वालों से नक्सली बैरियर लगाकर पैसे की वसूली करते हैं। रजिस्टर में आने जाने वालों का नाम दर्ज करते हैं। इसके लिए नक्सलियों ने जगह जगह पेड़ों पर बोर्ड भी लगा रखे हैं। नेशनल पार्क में बैरियर लगाकर नक्सली आने जाने वाले लोगों से वसूली करते हैं। 1975 में बने इस पार्क पर नक्सलियों का कब्जा और ये इलाका माओवादियों का सेफ जोन माना गया है। नक्सल मामलों के जानकार बताते हैं कि इस इलाके से नक्सल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक आते जाते हैं। इंद्रावती टाइगर नेशनल पार्क में बेखौफ घूम रहे नक्सली सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। बस्तर IG का कहना है कि इस इलाके को भी जल्द नक्सलियों के कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। इंदौर में पिछले दिनों साइकिल पर अनोखी बारात निकली थी। अब एक और अनोखी बारात देखने को मिली है। भीषण गर्मी से बचने के लिए बारात में कूलर को भी शामिल किया गया। इंदौर के राजबाड़ा क्षेत्र में इस अनोखी बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दरअसल इंदौर की जिस तरह गर्मी का मौसम चल रहा है, उसे देखते हुए राजबाड़ा क्षेत्र में एक बारात निकली और बारात में शामिल बारातियों को गर्मी का एहसास न हो, इसके लिए बारात के साथ साथ कूलर भी चलाया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि इंदौर में दिन में गर्मी का असर काफी तेज रहता है, इसलिए गर्मी से बचने के लिए बारात में कूलर भी शामिल किया गया। मणिपुर में फिर एक बार हिंसा भड़क उठी है। बुधवार को इंफाल में मंत्री नेमचा किपगेन के आवास को उपद्रवियों ने जला दिया। सूत्रों के मुताबिक घटना बुधवार शाम करीब 6:30 बजे की है। बता दें कि मणिपुर में भड़की ताजा हिंसा में कांगपो कपी जिले के खमेन लोक इलाके के गांव में मंगलवार को बदमाशों के हमले में एक कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार हिंसा रोकने के लिए लोगों से अपील कर रही है। वहीं बड़ी संख्या में सेना को भी मौके पर तैनात किया गया, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे। वहीं मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह के मुताबिक अब तक कुल 1,040 हथियार, 13,601 गोला बारूद और 230 तरह के बम बरामद किए गए हैं। इस बीच जिला अधिकारियों ने इंफाल पूर्वी जिले और इंफाल पश्चिम जिले में सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में छूट के घंटों को घटाकर सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक कर दिया है। एक जुलाई से जम्मू कश्मीर की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक 14 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण रहती है। इसके बावजूद हर साल लाखों लोग ये तीर्थ यात्रा करते हैं। धार्मिक तीर्थ यात्रा के रास्ते तो काफी जोखिम भरे हैं ही, यात्रा के दौरान आतंकी हमलों का भी डर बना रहता है। ऐसे में सुरक्षा बलों की सतर्कता काफी मायने रखती है। इस साल भी अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद किया जा सके। यात्रियों की सुरक्षा के लिए उधमपुर में CRPF ने कई खास प्रबंध किए हैं। किसी भी आतंकी गतिविधि को नाकाम करने के लिए मुस्तैद CRPF ने उधमपुर में डॉग स्क्वाड तैनात किए हैं।
सीआरपीएफ में 135वें बटालियन के कमांडेंट रमेश कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए यहां पर मुस्तैदी से तैनात हैं ताकि श्रद्धालु बिना डरे ये यात्रा पूरी कर सकें और बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकें। तो वहीं इस यात्रा को लेकर चढ़वाल मुख्य चौक में एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर का काम डबल शिफ्ट में चल रहा है, साथ ही तरनाहर नाले में भी अस्थायी वैकल्पिक रूट की तैयारी हो रही है ताकि पुल पर जाम की स्थिति बनने पर एक तरफ से वाहनों को इस रूट से चलाया जा सके। और इसी के साथ ही हाईवे के किनारे यात्रियों के लिए लगने वाले लंगरों के सामने सड़क के अर्थवर्क का काम लगभग पूरा हो चुका है।